नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ फाइव माइक्रोफेरेट कैपेसिटर इज चार्ज फुली बाय अ 220 ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई इफ देन दिस इज इफ इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर अनचार्ज टू पॉइंट फाइव माइक्रोफेरेट कैपैसिटर सवाल है इफ़ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज रिडिट्रीब्यूशन इज एक्स बाय हंड्रेड जूल दैन वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरस्ट इंटीजियर इज नाउ इसको Uh, सवाल देखना सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि ये आपका एक कैपेसिटर जिसको आपने पहले एक वी वोल्ट की बैटरी पर लगाया और ये आपका कैपेसिटर सी इसको चार्ज किया फुली उसके बाद हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया और ये आपका जो कैपेसिटर है इसको हमने दोबारा यहाँ पे कनेक्ट किया एक सेकेंड कैपेसिटर से जिसकी वैल्यू ये सी है इसकी वैल्यू सी बाई है है हम हाँ हमें बताना है कि इसमें जो डेल्टा यू जो आपका चेंज इन एनर्जी आएगा इंटीजर टाइप सवाल है उसको हमने कहा है एक्स बाई हंड्रेड है और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ना इस सिनेरियो में अगर देखेंगे सी वी इसको जब आपने सी और सी वी को किया मैं आपको कुछ बेसिक भी समझाता हूँ सो लेटेस्ट से इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज क्यू आ गया तो इन दिस केस वी कैन से क्यू विल बी इक्वल टू सी वी और आपकी जो एनर्जी है इनिशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर Now, जब हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया है सो लेट अस से इनका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वी वो वी आ गया ठीक है सो so, एक काम करते हैं इसको वी नॉट लिख लेते हैं पहले वाले को ठीक है तो इसका बाद में कॉमन पोटेंशियल वी आ गया ना इस केस में क्योंकि आपका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो है वो यहाँ से सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है उड़ के इधर से उधर नहीं गया तो चार्ज आपका कंजर्व रहेगा इसका मतलब ये है कि इस प्लेट पर इस प्लेट पर जो इनिशियल चार्ज था और फाइनल चार्ज था वो दोनों सेम रहेगा सो क्यू इनिशियल विल बी इक्वल टू क्यू फाइनल इनिशियल चार्ज था आपका क्यू विच इज सी वी नॉट प्लस जीरो बिकॉज ये आपका अनचार्ज है विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज तो इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी वी सी मल्टीप्लाइड बाई नया कॉमन पोटेंशियल प्लस सी बाय टू वी विच एम्प्लाइज सी वी नॉट विल बी इक्वल टू इसे जब हम ऐड करेंगे तो यह जाएगा थ्री बाय टू सी वी विच इम्प्लाइज वी की वैल्यू हो गई आपकी वी नॉट टू वी नॉट बाय थ्री ये आपका न्यू पोटेंशियल आ जाएगा इस केस में जो आपकी फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी बाय टू वी स्क्वायर ना इस वी को अगर हम ओरिजिनल वी नॉट के टर्म में लिख दें सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ सी ऐसे लिख लेते हैं इसको फोर बाय नाइन वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ सी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा फोर बाय नाइन वी स्क्वायर v नॉट स्क्वायर तो इनको जब हम ऐड करेंगे सो सी वी स्क्वायर बाय नाइन कॉमन ले लेते हैं अंदर बचेगा टू और ये फोर कैंसिल हो गया प्लस वन ठीक है इसका एक थ्री और कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी वन बाय थ्री वी स्क्वायर ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई नाउ इसमें जो चेंज इन एनर्जी हुआ है डेल्टा यू वो हो गया इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है हाफ फाइनल ये है सो दिस विल बी हाफ सी वी स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री सी वी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी वन बाय सिक्स सी वी स्क्वायर जानबूझ के मैंने अभी तक सी और वी की वैल्यू डाली नहीं है अगर सी और वी की वैल्यू डालेंगे तो सी हमें दिया हुआ है फाइव फेरेट और वी जो दिया है वो दिया है टू ट्वेंटी वोल्ट ना इसको जब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे और इसको इसके इक्वेट कर देते हैं यहाँ से काम करते हैं चलो यहाँ कर लेते हैं सो दिस एम्प्लाईज एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डेल्टा यू इसका मतलब हो गया वन बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सी यानी कि फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वी का स्क्वायर टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड नाउ जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो आपके एक्स की वैल्यू आती है वो फोर पॉइंट जीरो थ्री 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 ये वैल्यू आ रही है सो दैट शुड हैव बीन द राइट आंसर क्लोजेस्ट इंटीजर आपका फोर आएगा बट एन टी ए ने इसका आंसर दिया हुआ थर्टी सिक्स सो मे बी दे विल चेंज देयर आंसर अकॉर्डिंग टू मी इसका फोर पॉइंट जीरो थ्री थी दैट शुड हैव बीन द राइट आंसर